नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, एक पाकिस्तानी लड़की केवल 16 वर्ष की आयु में अपना खुद का एक एनजीओ शुरू करती है और उसका ये एनजीओ पाकिस्तान में औरतों को समान अधिकार दिलवाने और उनके साथ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो छोटी सी आयु से ही ये लड़की धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र और शांति की बातें करने लगती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगती है और जल्द ही दुनिया को इसका ये काम दिखाई भी देता है। केवल 23 वर्ष की आयु में इसे यूथ एक्शन नेट नाम की फेलोशिप दी जाती है और उसके 4 साल बाद एनईडी से अवार्ड मिलता है और उसके 1 साल बाद इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट अवार्ड भी। केवल 31 वर्ष की आयु में ये लड़की IHEU के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाती है, जहां दुनिया भर में इसे सम्मान दिया जा रहा था, दुनिया का हर देश इसे सम्मानित कर रहा था। वहां एक देश ऐसा था जो इसका जानी दुश्मन बन बैठा था, इसका खुद का अपना देश पाकिस्तान। कैसे इमरान खान के नए पाकिस्तान में इस लड़की के मानवाधिकारों को खुद इसकी अपनी आर्मी ने ही अपने पैरों तले कुचल डाला, कैसे इसको निर्वस्त्र अवस्था में जेल में बंद रखा गया, यातनाएं दी गईं, कैसे इसके घर वालों को दिन रात धमकाया गया, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया, इस लड़की को अपनी खुद की मिट्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। कौन है ये लड़की और ऐसा इसने क्या किया था कि दुनिया की सबसे बहादुर आर्मी इससे इतनी बुरी तरह डर गई, जानेंगे आज के वीडियो में। केपीके की राजधानी स्वाबी में जन्मी गुलाला इस्माइल 9 वर्ष की आयु में अपने परिवार के साथ पेशावर आ गई थी। उनके पिता मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान के एक जाने माने अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता थे और बचपन से ही अपने बच्चों को औरतों के साथ होने वाले भेदभाव और उनके मानवाधिकारों के ऊपर शिक्षित कर रहे थे। कायदे आजम यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री अर्जित करने के बाद गुलालाई केवल 16 वर्ष की आयु में अपनी बहन सबा के साथ मिलकर अवेयर गर्ल्स नाम का एक एनजीओ शुरू करती हैं और इस एनजीओ के जरिए औरतों के साथ हिंसा और उत्पीड़न करने वाले पाकिस्तानी कल्चर को चैलेंज करना शुरू कर देती हैं। महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादती के साथ साथ गुलालाई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के ऊपर भी काम शुरू कर देती हैं। 2010 में वो सीड्स फॉर पीस नेटवर्क नाम की एक संस्था शुरू करती हैं। ये संस्था नौजवान पाकिस्तानी लड़के लड़कियों को ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल लीडरशिप में ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा गुलालाई पाकिस्तान के ब्लस्फेमी लॉज यानी कि ईश निंदा से जुड़े कानूनों के खिलाफ भी खुलकर बोलना शुरू कर देती हैं। एक नॉर्वेजियन वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में गुलालाई कहती हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बिना एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र के पाकिस्तान में शांति नहीं आ सकती। दोस्तों, इस इंटरव्यू के बाद से ही पाकिस्तान में गुलालाई के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। नवंबर 2017 में पाकिस्तान की यूथ पार्लियामेंट का हेड हमजा खान सोशल मीडिया के ऊपर गुलालाई की फोटो और वीडियो शेयर करते हुए उनके ऊपर ईश निंदा के आरोप लगाता है। मैं यहां पर आपको याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान में इन आरोपों के तहत मौत की सजा का प्रावधान है। गुलालाई को एक काफिर बताते हुए हमजा सोशल मीडिया के अपने फॉलोअर्स से गुलालाई को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन इससे डरने के बजाय बहादुर गुलालाई 2018 में हमजा के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा देती हैं और उसको बिना जमानत के गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इस पूरे प्रकरण के ऊपर द टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में गुलालाई कहती हैं, मैं खुद के लिए नहीं लड़ रही हूं, ये कानूनी कार्यवाही उन लोगों को भी आवाज देगी जिन्हें ईश निंदा के झूठे केसेस में फंसाया गया है। मैं चुप नहीं बैठने वाली, मैं इन कायरों से डरती नहीं हूं, मैं इनसे लड़ूंगी और इन्हें गलत साबित करूंगी। कोर्ट ने तो गुलालाई के पक्ष में ही फैसला सुनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश अब वो पाकिस्तान के ऐसे तत्वों की नजर में आ गई थी जो कोर्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। अगस्त 2018 में गुलालाई पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट यानी कि PTM द्वारा आयोजित किए गए एक प्रदर्शन के लिए स्वाबी जाती हैं। इस प्रदर्शन का उद्देश्य पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पश्तूनों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध करना था। इस प्रदर्शन के दौरान ही गुलालाई समेत 18 लोगों को भड़काऊ बयानबाजी के आरोपों में गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इसके 3 महीने बाद अक्टूबर 2018 में जब गुलालाई ह्यूमनिस्ट यू के नाम की एक कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जा रही होती हैं, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्हें डिटेन कर लिया जाता है और उनका पासपोर्ट भी उनसे छीन लिया जाता है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स उन्हें बताते हैं कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL के ऊपर है। कहने का मतलब ये कि उन्हें ये बताया जाता है कि सरकार ने आदेश दिया है कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकती।
अपनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ गुलालाई हाई कोर्ट चली जाती हैं। वो कोर्ट से कहती हैं कि उनका पासपोर्ट जब्त करना, उनको देश से बाहर जाने से रोकना उनके मूलभूत अधिकारों का हनन तो है ही, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। कोर्ट में हुई कार्यवाही के दौरान, सुनवाई के दौरान ये बात सामने आती है कि ISI के कहने पर FIA ने गुलालाई का नाम ECL में डाला था। इसके बाद नवंबर 2018 में ISI गुलालाई और उनके पिता को अपने हेडक्वार्टर्स ले जाती है और गुलालाई के अनुसार ISI उनके पिता से कहती है कि यदि तुमने अपनी बेटी का मुंह बंद नहीं करवाया तो हम उसे जान से मार देंगे। इसके बाद पाकिस्तान की हाईकोर्ट गुलालाई का नाम ECL से हटाने का आदेश देती है, जिससे पाकिस्तान आर्मी और ISI और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। 6 फरवरी 2019 को गुलालाई अरमान लोनी नाम के एक पश्तून कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं। पुलिस इस कार्यक्रम को बीच में ही रुकवाकर गुलालाई और PTM लीडर अब्दुल नांग्याल समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गुलालाई को 2 दिनों तक एक अज्ञात जगह पर रखा जाता है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और किसी को नहीं पता होता कि वो कहां पर हैं। खुद गुलालाई के अनुसार उनको भूखा प्यासा और निर्वस्त्र अवस्था में बंद रखा जाता है। उनके अनुसार जिस कमरे में उन्हें रखा जाता है वो कमरा बहुत ही गंदा था और जो कारपेट वहां पर बिछी हुई थी वो पूरी तरह पेशाब में भीगी हुई थी। मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि यह सब इमरान खान के नए पाकिस्तान में ही हो रहा था। गुलालाई की इस गिरफ्तारी और उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण दुनिया भर से पाकिस्तान आर्मी की आलोचना होने लगती है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, एमनेस्टी इंटरनेशनल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर इस गिरफ्तारी की आलोचना करते हैं। 2 दिनों तक यातनाएं झेलने के बाद गुलालाई इस्माइल को छोड़ दिया जाता है और जेल से बाहर आने के बाद गुलालाई जिस मुद्दे के ऊपर बोलती हैं वो पाकिस्तान में उनकी जिंदगी और भी ज्यादा दूभर करने वाला था। जेल से बाहर आने के बाद गुलालाई पाकिस्तान आर्मी द्वारा महिलाओं का जो यौन शोषण किया जाता है उसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर देती हैं, जिसका जवाब देते हुए 23 मार्च 2019 को पाकिस्तानी पुलिस उनके खिलाफ सरकार विरोधी और देश विरोधी बयान देने के आरोपों में FIR दर्ज कर लेती है और उनके ऊपर 30 दिनों का ट्रेवल बैन भी लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, DGISPR सोशल मीडिया पर उनका जीना मुश्किल कर देता है और ISI वास्तविक जिंदगी में हालत ये हो जाती है कि गुलालाई को छुपने पर मजबूर होना पड़ता है। जब वो हाइडिंग में चली जाती हैं, छुप जाती हैं, तो उनके घर के ऊपर छापा मारा जाता है, उनके ड्राइवर को उठाकर दिन रात टॉर्चर किया जाता है, यहाँ तक कि उनके घर वालों के फोन भी टैप कर लिए जाते हैं, लेकिन गुलालाई का कुछ पता नहीं चल पाता। इधर पाकिस्तान आर्मी और ISI दिन रात गुलालाई को पाकिस्तान में खोज रही थी और उधर सितंबर 2019 में गुलालाई अपनी बहन सबा के साथ रहने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच जाती हैं और अमेरिकी सरकार से राजनीतिक शरण देने की गुहार लगाती हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में गुलालाई कहती हैं, यदि मुझे सालों तक जेल में टॉर्चर किया जाता तो मेरी आवाज़ दब जाती। पिछले कुछ महीने बहुत ही भयानक रहे हैं, मुझे धमकाया गया, मेरा उत्पीड़न हुआ, मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं जीवित हूँ। दोस्तों, ये है पाकिस्तान आर्मी, ISI और मानवाधिकारों के नए नए चैंपियन बने इमरान खान का असली चेहरा। एक निहत्थी सिविलियन लड़की जिसने पश्तूनों के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, पाकिस्तान के ईश निंदा जैसे घिनौने कानूनों के खिलाफ, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। ऐसी लड़की का जीना दूभर कर दिया गया, उसे अपना घर अपनी मिट्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अपने आप को दुनिया की सबसे बहादुर बताने वाली, सबसे शक्तिशाली बताने वाली आर्मी एक निहत्थी सिविलियन लड़की से डर गई। आखिर क्यों? क्योंकि ISI को पता था, पाकिस्तान आर्मी को पता था, इमरान खान सरकार को पता था कि वो लड़की सच बोल रही है। इमरान खान साहब, जितनी चिंता आपको कश्मीरियों के मानवाधिकारों की है, यदि उसकी 0.00001% चिंता भी आपको अपने लोगों के मानवाधिकारों की होती तो आज आपके देश के गुलालाई इस्माइल को अपना घर अपनी मिट्टी छोड़ने पर मजबूर ना होना पड़ता।
आज आपके देश की एक इतनी होनहार लड़की जिसके काम के लिए पूरी दुनिया ने उसे सम्मानित किया, बड़े बड़े अवार्ड्स दिए, आज एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की दूसरे देश से शरण के लिए गुहार लगा रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म आ रही है? या अपनी सारी शर्म आप तभी बेचकर खा गए थे जब आपने बाजवा के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी का सौदा किया था? अगर आप में थोड़ी सी भी रीढ़ की हड्डी बची है तो मुझे तो छोड़िए, अपने लोगों को इस सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।